दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इंडिया वर्ल्ड की टॉप 5 स्पेस फेयरिंग कंट्रीज में आता है। और आपको ये भी बता दूं कि इंडियन स्पेस इंडस्ट्री ने 2020 में ग्लोबल स्पेस इंडस्ट्री इकोनॉमी, जिसका साइज करंटली US$477 बिलियन है, उसमें 2.1% का कंट्रीब्यूशन किया है। दोस्तों, अभी तक इलॉन मस्क की स्पेसएक्स के साथ रशिया और चाइना सैटेलाइट लॉन्चिंग सर्विसेज के मेन प्रोवाइडर्स थे, लेकिन रशिया यूक्रेन वॉर और अमेरिका के साथ चाइना की टेंशन की वजह से ये दोनों कंट्रीज इस बूमिंग सेक्टर के कस्टमर्स के लिए आउट ऑफ रीच हो गए हैं। अब ये कस्टमर्स अपनी डिमांड को सेटिस्फाई करने के लिए इंडिया का रुख देख रहे हैं, क्योंकि इंडिया एक पॉलिटिकली स्टेबल कंट्री है और दुनिया भर में इंडिया अफोर्डेबल एंड रिलायबल सैटेलाइट लॉन्चेस के लिए जाना जाता है। दोस्तों, चाइना और रशिया के जियोपॉलिटिकल आइसोलेशन इंडिया के लिए नई अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर रहा है। इसको ग्रैब करने के लिए इंडिया की करंट गवर्नमेंट स्पेस सेक्टर में बहुत से रिफॉर्म्स कर रही है।